हेलो दोस्तों, आपका दोस्त रोहित आ गया है एक नए वीडियो के साथ। आज डेट बता दूं, आज डेट है 22 सितंबर 2021। मैं अपने घर रांची, झारखंड की राजधानी, जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? लद्दाख। आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा है तो मैंने कहा था कि मैं लद्दाख की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो फाइनली प्लान हो गया है और मैं निकल रहा हूँ। तो आगे बाकी कुछ बताते हैं, तो चलें। क्या तैयारियाँ की हैं, गाड़ी को कैसे तैयार किया, कहाँ कहाँ जाऊँगा, ये सब मैं आगे वीडियो में फिर आपको बताता हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हाँ तो दोस्तों, निकल गया हूँ रांची झारखंड से लद्दाख के लिए। बाहर कुछ मौसम देख लीजिए, और मैं अभी कार चला नहीं रहा हूँ। मेरे साथ कौन है आइए दिखाता हूँ, अभिषेक। तो आगे चलते हैं, अभी पेट्रोल टैंक फुल करेंगे और निकलते हैं। आज का टारगेट है हमारा कि लखनऊ पहुँच जाए। ऐसे मुझे मुश्किल लग रहा है लखनऊ पहुँचने में, लेकिन चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। ये आ गए हम पेट्रोल पंप, टैंक पूरा फुल करेंगे और फिर आगे चलेंगे। टैंक फुल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पेट्रोल भरा जा रहा है, फुल टैंक करेंगे, देखते हैं कितने का हुआ। फुल कर रहे हो ना? देखते हैं कितने का होता है। ये अभी हम रांची में ही हैं, अपने घर से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर ही आए हैं। चलिए पेट्रोल लेते हैं, बताता हूँ कितने का लिया और आगे बढ़ते हैं। और एक फाइनल लास्ट में भी वीडियो बताऊंगा कि टोटल बजट क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई साहब, आ गया हूँ। अभी हमने लिया 2123 रुपये का पेट्रोल, जिसमें 28 लीटर पेट्रोल आया है। तो चलिए आगे चलते हैं। भाई चला रहा है गाड़ी, अभी मैं रिलैक्स करूंगा। तो बाहर मौसम वैसा ही है, अभी तक बारिश हो रही है। सामने वाले कैमरे से दिखाता हूँ, देखिए अभी हम लोग रांची जिला में ही हैं, अभी बाहर नहीं निकले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ दिखाते हैं। तो भाई साहब भूख लगी है, अभी हम लोग बरही में आ गए हैं। तो यहाँ पे कुछ नाश्ता करते हैं, 10:15 हो रहा है। चलिए नाश्ता करते हैं, दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आ गया हूँ एक रेस्टोरेंट में, पहले आपको दिखाया था। यह है नज़ारा, यहाँ पे मंगाया हमने आलू पराठा, और गाड़ी हमारी वहाँ लगी हुई है। धो दिया हूँ, गाड़ी के बारे में भी रास्ते में बताऊँगा। तो अभी मिलते हैं टेबल पे आलू पराठा के साथ। ये है आलू का पराठा, अचार खाते हैं, देखते हैं कैसा है। कैसा लगा अभिषेक, कैसा लगा आलू पराठा? और खाया नहीं है, खाया ही नहीं था। अच्छा कैसा? हाँ चलिए फिर गाड़ी में मिलते हैं। सिर्फ आलू पराठा में मज़ा नहीं आ रहा था, तो हमने मंगाया है दही।
पकाते और निकलते हैं यहाँ से। ये भाई साहब चेक पोस्ट पार किया और पहली बार हमें दिल्ली लिखा हुआ मिला। दिल्ली यहाँ से 1023 किलोमीटर है। बोर्ड आपको दिखाते हैं, क्योंकि लगभग 200 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और दिल्ली 1024 किलोमीटर, आगरा 864 किलोमीटर। तो चलिए आगे चलते हैं। बाय द वे, हमारा नाश्ता जो था, ब्रेकफास्ट जो था, बहुत ही बढ़िया था। आलू पराठा बरेही में जो हमने किया, और साथ में दही था, और दही भी बहुत बिल्कुल एकदम फ्रेश था। तो चलिए आगे कुछ दिखता है तो दिखाते हैं। बेफजूल रिकॉर्ड करके वीडियो बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना टारगेट तो लद्दाख है। चलिए चलते हैं। तो भाई साहब ये आ गए गया। गया शहर में नहीं जाएंगे हम लोग, जीटी रोड के थ्रू ही जा रहे हैं। अब इधर से औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद नहीं, बिहार वाला औरंगाबाद होते हुए अभी हम लोग चलेंगे बनारस। बना बनाया रस बनारस। तो चलिए चलते हैं। नज़ारे देखो भाई साहब, दोनों तरफ पहाड़ है। और बढ़िया, ये बीच में सोचा थोड़ा दिखा दूं, नौगढ़। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, रांची से 7:30 बजे निकला था, अभी 3 बज रहे हैं और हम लोग अब बनारस आ गए हैं। आगे प्रयागराज में या उससे आगे निकल करके हम लोग नाइट होल्ड करेंगे, क्योंकि रात में गाड़ी चलाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो वहीं पे चलते हैं, बीच बीच का कुछ नज़ारा दिखाता रहता हूँ। अभी मैं नहीं चला रहा हूँ गाड़ी, अभिषेक चला रहा है। और चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। बाहर हल्की हल्की धूप खिली है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बेहतरीन नज़ारा आएगा तो रिकॉर्ड करूंगा। भाई साहब कहाँ गए हम? हम आ गए बनारस। बनारस के रोड पे थोड़ा पानी वानी पीने के लिए रुके थे और हमारा गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से यहाँ गुजर रहा है। पीछे कैमरे से दिखाता हूँ, ये रोड सीधे हमें बनारस लेके जाएगी, प्रयागराज लेके जाएगी। बनारस में तो है ही, सॉरी, प्रयागराज लेके जाएगी। उसके आगे निकल के कहीं पे स्टे करेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। हो सकता है एंटरटेनिंग ना लग रहा हो अभी का वीडियो, लेकिन आने वाले दिन में वीडियो आपको बहुत मनोरंजक आने वाला है, तो स्टे ट्यून, बने रहिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो मैं कहाँ घूम रहा हूँ, ये मैं भी हूँ चंदौली में, और एक्चुअली मेरे कार के डैश कैम का मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया है, तो कार्ड ढूंढ रहा हूँ, मेमोरी कार्ड उसमें डाल पाऊँ, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा आगे का। तो ढूंढते हैं, मिलता है तो फिर देखते हैं। नहीं मिला मेमोरी कार्ड। चलिए आगे किसी और सिटी में देखेंगे, तब तक उसको डिसकनेक्ट कर दूंगा मैं। तो चलिए चलते हैं। भाई साहब भूख लगी है, रुके हैं, चलिए खाना खाते हैं। आज तो आप सोच रहे होंगे गाड़ी गाड़ी ही दिखा रहा है सिर्फ, तो आने वाली वीडियो में अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, तो चलिए खाना खाते हैं। बैठ गया खाने के लिए, तड़का और रोटी। ठीक ठाक ही है, खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है। खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। याद होगा मेरा
कार्ड खराब हो गया था, ये सिम इजेक्टर, ये भाई साहब इन्होंने हेल्प किया, तो थैंक यू इनको। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों रात हो गई, देख पा रहे होंगे आप, अभी मैं हूँ प्रयागराज के पास एक पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल लेने के लिए रुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्रेडिट कार्ड काम नहीं किया, तो शीशा वीशा साफ करना था, कर लिया। अब आगे निकलते हैं, होटल वगैरह देखते हैं, चलिए चलते हैं। फाइनली कानपुर से 200 किलोमीटर पहले पेट्रोल फुल करा लिया, 25 पॉइंट समथिंग हुआ था पेट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, अब गाड़ी चलाते चलाते थक भी गया, और अपना फिक्स था कि रात को गाड़ी नहीं चलानी है, फिर भी 8 बजे तक गाड़ी चलाया, और कानपुर से 150 किलोमीटर पहले तक पहले आकर के एक अच्छा होटल मिला, तो वहाँ हम लोग रुक गए, और फिर कल सुबह निकल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, वैसे होटल एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसा है। ये बिस्तर, और थोड़ा महंगा है पता नहीं क्यों, और बाहर से कुछ ऐसा है। तो यही वीडियो को एंड करते हैं, और एडिट करके आपको फिर दिखाते हैं। अभी आप लोगों को ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा मेरे वीडियो में, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में मज़ा आने लग जाएगा। तो होप कल की जर्नी को देखने के लिए रेडी रहिए, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय शिव शंभू।